नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। धार नर्सिंग छात्र संगठन द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के प्रदेश सचिव महेश कुमावत ने बताया कि नर्सिंग छात्र छात्राओं की पिछले कई वर्षों से छात्रवृत्ति रुकी हुई है। छात्रवृत्ति तत्काल प्रदान की जाए। मध्य प्रदेश के जिन कॉलेजों में सीबीआई टीम ने जांच की थी एवं रिश्वतखोरी पर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उन पर उचित दंडात्मक कार्रवाई हो। निजी सरकारी अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ पर बदतमीजी एवं अपशब्दों का प्रयोग करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो, इसके लिए उचित कानून लागू किया जाए। वहीं निजी सरकारी अस्पताल में बिना डिग्री के गैर कानूनी रूप से जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी जांच हो, और जो निजी अस्पताल संचालक नॉन डिग्री धारक और अस्पताल में ड्यूटी करवा रहे उन पर जांच कर कानूनी कार्रवाई हो। सचिव कुमावत ने बताया कि सभी जिलों से संगठन के पदाधिकारी 3 सितंबर को भोपाल में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। दूसरी हमारी मांग है सीबीआई टीम जो रिश्वतखोरी में पकड़ी गई सीबीआई की टीम है उस पर उचित कानूनी दंडात्मक कार्रवाई हो। और तीसरी हमारी एक मुख्य मांग है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में जो 80-20 का आरक्षण है वो खत्म करके उसको बराबर इक्वल किया जाए। छात्रवृत्ति की है जो सत्र 2020 से अभी तक 3 वर्ष 4 वर्ष हो चुके हैं, जो कि किसी भी छात्र को अभी तक छात्रवृत्ति एसटीएससी में प्रदान नहीं की गई है, तो हमारी सबसे मेन मांग है। और उसके बाद जो सीबीआई टीम ने जो नर्सिंग कॉलेज की जांच की थी उनमें जो कॉलेज अनसुटेबल पाए गए थे उनके सारे अनसुटेबल कॉलेज के जो विद्यार्थी उनको किसी भी क्षेत्र के पास के निजी जो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें ट्रांसफर किया जाए ताकि उनके आगे की जो पढ़ाई है निरंतर जारी रह सके। और हमारी एक और मांग है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की है जहाँ पर 80-20 का जो आरक्षण है उसको समाप्त करने के लिए हमारी एक और मांग है जो हम शासन के समक्ष रखने वाले हैं। और उसके बाद एक और मांग जो सीएचओ की, जो मध्य प्रदेश में जो सीएचओ के पद पर नियुक्त किए गए हैं जो सीएचओ भी है और साथ ही ये प्राइवेट निजी संस्थान में जिन्होंने अपने दस्तावेज लगा रखे हैं और वहाँ से भी अपना इंसेंटिव और कमीशन निकाल रहे हैं तो उनको भी वहाँ से रोक लगवाने के लिए हमारी अभी एक मुख्य मांग है। धार से खबर समय जगत की अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।